वेल फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ ओपन बीटा अपडेट्स प्रोग्राम को लेके रियलमी की तरफ से। रियलमी ऑफिशियल अगस्त मंथ का जो अपडेट्स होगा ओपन बीटा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जिन जिन डिवाइस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेबल अपडेट प्रोग्राम के बारे में हमने इससे पहले बात करा था, उससे बात हमने OTA अपडेट के बारे में बात किया था, बट आज हम बात करेंगे ओपन बीटा प्रोग्राम के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ओपन बीटा अपडेट के बाद ही आपके फोन में स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है। दोस्तों, आज बात करेंगे रियलमी UI R एडिशन और साथ ही साथ रियलमी UI 3.0 का भी ओपन बीटा अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे आज के डेट में कौन से डिवाइस के अंदर रियलमी UI 3.0 Android 12 की जो अपडेट है वो रोल आउट हुआ है उसके बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं टेक फंड क्लब YouTube चैनल, और अगर आपको इस तरह के रियलमी के ऊपर अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते आज का वीडियो। वेल, आप देख सकते हैं फाइनली जो रियलमी UI 3.0 Android 12 का जो ओपन बीटा डिवाइस लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुका है अगस्त मंथ का। यहाँ पे सिर्फ दो डिवाइस का नाम है, रियलमी X3 एंड X3 सुपर जूम का, और उस जो दोनों डिवाइस का जो ओपन बीटा अपडेट है वो रियलमी ने लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। उसका जो रिकॉर्ड वर्जन है मैं आपको शो करवा दूंगा आखिर तक। अब दोस्तों बात करते हैं अगले जो डिवाइस लिस्ट है जहाँ पे आपको UI R एडिशन का नाम देखने को मिलता है, वहाँ पे जो ओपन बीटा डिवाइस लिस्ट है उसे चेक कर लेते हैं। वेल, अगर बात करें यहाँ पे रियलमी UI R एडिशन के बारे में, जहाँ पे एंड्रॉइड 12 का जो LXS अपडेट था वो हमें जुलाई मंथ में देखने को मिल गया था, बट इस मंथ आपको अगस्त मंथ पे जो ओपन बीटा अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 12 का। सो इस अपडेट के अंदर सिर्फ आपको तीनों डिवाइस का नाम यहाँ पे ऑफिशियली आता है सामने। सबसे पहले रियलमी C35 का नाम, साथ ही साथ रियलमी C31 के नाम, और साथ ही साथ रियलमी Narzo 50 Prime, इन तीनों डिवाइस का नाम ही सिर्फ यहाँ पे आता है। यहाँ पे कोई भी C25Y का नाम भी नहीं है, अभी भी C21Y का नाम भी नहीं है, या फिर कहीं C21 का नाम भी नहीं है, इन डिवाइसेस का नाम यहाँ पे नहीं है। सिर्फ ओनली 3 डिवाइस का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस मंथ, जो आपको ऑफिशियली अपडेट देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से। इससे पहले हमें बहुत ही कम लोगों को अपडेट देखने को मिला था, 200 पीपल को सिर्फ देखने को मिला था एडिशन के अंदर। सो ये तीनों डिवाइस में सिर्फ 600 लोगों को अपडेट देखने को मिला था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा रहेगा। और आपको पता है ओपन बीटा जो अपडेट होता है कम से कम 1000 सीट्स तो रहता ही है, सो बहुत से लोगों को यहाँ पे ओपन बीटा प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। सो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जाइए और ओपन बीटा अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये अपडेट्स भी रिलीज होने वाला है रियलमी की तरफ से। अब दोस्तों बात करें आज के डेट में कौन सा अपडेट रिलीज हुआ है रियलमी के ऑफिशियल की तरफ से। वेल, देख सकते हैं आप उसी डिवाइस लिस्ट अकॉर्डिंग आपको जो अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो अपडेट है, सबसे पहले रियलमी X3 सुपर जूम को ओपन बीटा अपडेट देखने को मिल गया है रियलमी की तरफ से यहाँ पे, और इसका जो रिकॉर्ड वर्जन है वो आपको मैं शो करवा देता हूँ। इसका जो रिकॉर्ड वर्जन है इस अपडेट के लिए, आपके पास जो रिकॉर्ड वर्जन रहेगा वो होगा जो OTA वर्जन C.13 या फिर C.14, RMX 2085 11 C.13 या फिर C.14 वर्जन अगर आपके फोन में है। OTA वर्जन है ये दोनों ही, अगर OTA वर्जन ये दोनों में से एक भी है अगर आपके फोन में, तो आप ओपन बीटा अपडेट को कर सकते हैं। अगर आपके फोन में नहीं है या फिर आप ELXS पे अवेलेबल होते हो तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली ओपन बीटा अपडेट आ जाएगा, तब आप कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के, उस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो आज के डेट में रियलमी ने लॉन्च करा है ओपन बीटा अपडेट। वेल, हमारे जो डिवाइस लिस्ट अकॉर्डिंग आपको जो अपडेट से वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ओपन बीटा अपडेट का रियलमी UI 3.0 का, वो आप देख सकते हैं आखिरी जो था रियलमी X3 का, वो भी यहाँ पे आज देखने को मिल गया है। ये जो अपडेट है वो आज का रोल आउट हुआ है। आप देख सकते हैं रियलमी का जो ओपन बीटा अपडेट है रियलमी X3 के लिए वो 5 अगस्त 2022 रोल आउट हुआ है। कौन से रिकॉर्ड वर्जन में ये अपडेट रोल आउट हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो अपडेट है इसका जो लास्ट वर्जन होगा वो आपको स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाएगा ओपन बीटा अपडेट का। अगर बात करें इसके रिकॉर्ड वर्जन के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसका जो रिकॉर्ड वर्जन है RMX 2081 11 C.13 या फिर C.14, ये दो अपडेट अगर आपके फोन में है तो आपके फोन में इजीली जो ओपन बीटा अपडेट है वो आप कर सकते हैं। दो ही OTA वर्जन है, अगर सिक्योरिटी वर्जन है दो ही, अगर दो वर्जन आपके फोन में है तो इजीली आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप स्टेबल अपडेट के लिए रुक जाइए, स्टेबल अपडेट आपके फोन में जरूर रन कर जाएगा। अब बात करें जो लोग ELXS अपडेट कर रहे हैं, जो लोग ELXS पे अभी अवेलेबल है, उन लोगों को कुछ डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टली आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा ओपन बीटा का। आप डायरेक्टली ओपन बीटा अपडेट कर सकते हैं रियलमी X3 के अंदर। सो ये था रियलमी के अकॉर्डिंग अपडेट्स। इसके बाद आपको जो R एडिशन के ओपन बीटा अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो जो UI 3.0 का वो सारे कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें R एडिशन के बारे में, तो R एडिशन का अपडेट भी बहुत ही जल्दी रियलमी ने सारे लॉन्च करना है ओपन बीटा डिवाइसेस अकॉर्डिंग। तो मैं मिलता हूं आपके साथ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा।